The World Maimon Organization, WMO, is an international umbrella organization of the Maimon community serving humanity through its 9 chapters. Maimons from all over the globe were united under one banner by late Haji Abdul Razak Yaqub, ARY. Pakistan chapter has an intensive focus on educating the community and through its Education for All program, as per the vision and guidance of President Salman Iqbal, we provided assistance to around 7,000 students in lower education and 700 plus students in higher education. WMOPC has also impacted the lives of special children by eliminating their disability. Gift of the Sight is another project of WMOPC where cornea transplant is being done. All this was not possible without the support of our donors, members, regional management committee, international chapters of WMO and our PC staff. जनाब खुश आमदेद कहते हैं आपको निकी के सेगमेंट में, और आपने पैकेज भी देखा कल भी हम इत्तेफाक से मेमन कम्युनिटी काविशों के हवाले से बात कर रहे थे, MMI हॉस्पिटल के हवाले से, और आज वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ अहम तरीन कुछ अफराद मौजूद हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, और चूँकि ज़ाहिर है बरस हाँ बरस से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टेलीथॉन्स में भी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी, तो बहुत ही काबिल फ़ख्र लम्हात होते हैं जब हम WMO की बात करते हैं। और सलमान इकबाल साहब चूँकि रोहे रवा भी हैं WMO के, और इसकी बुनियाद 2001 में 2002 में रखी गई थी, अल्लाह गरीक रहमत करे, हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब साहब और उनके रफ़का की जानिब से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं प्रॉब्ली दुनिया में, जहाँ से लोग फंड रेजिंग भी करते हैं, और जहाँ जहाँ दुनिया में ज़रूरत है वहाँ पर खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं इंसानियत के लिए। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे साथ इस वक्त वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब शुएब इस्माइल मंगोलिया साहब मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। अरसलान नारा साहब रीजनल सेक्रेटरी जनरल हैं, यूँ तो आप लोगों से मुलाकात रहती है मुख्तलिफ टेलीथॉन्स में और मुख्तलिफ हवालों से, तो शुएब भाई ज़रा बताइएगा कि अपने क़याम से लेकर अब तक जो मकासद थे, जो विज़न था, उससे आगे बढ़ी है WMO, उस विज़न को लेके कहाँ पे इस वक्त हमारी स्टैंडिंग क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया ARY नेटवर्क का कि फिर इन्होंने हमें याद किया। देखें जिस तरह अभी आपने इंट्रो में कहा कि 2001 में मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब ARY इन्होंने और उनके चार रफ़का ने एक बीज बोया, एक छोटा सा पेड़ उगाया। आज माशाल्लाह वो पेड़ बड़ा तनावर दरख बन गया है, उसके समरात, उसके फल पूरी दुनिया में लोगों को मिल रहे हैं। बहुत लंबी सफ़र है, 20-21 साल का सफ़र, मैं आपको आप 20-21 मिनट में तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इकरार भाई और बदामी साहब ये बताऊं कि इतने लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है और मुसलसल हो रहा है, वेदर इट इज़ एजुकेशन, वेदर इट इज़ रिहेबिलिटेशन, वेदर इट इज़ मेडिकल। और इस वक्त भी सिर्फ अगर मैं पाकिस्तान चैप्टर की बात करूं तो 7,000 बच्चे हमारे पेरोल पे हैं जो लोअर एजुकेशन में, 1,000 बच्चे हमारे पास हायर एजुकेशन में, हमारा मीटी फ्लैगशिप हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, 12,000 बच्चे साल के वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स लेते हैं। और आपको ये सुन के अजीब ताजुब भी होगा कि वो 12,000 बच्चों में हार्डली 1% भी मेमन नहीं है, वो पूरे 99% WMO जो है वो पूरे बनिनो इंसान के लिए बनाई गई है। और जब ये जब फाउंडेशन बना है तो हम शुक्रगुजार हैं इस फैमिली का कि इन्होंने इमीडिएटली पहले चार ट्रस्टीज, चारों भाई जो शुरू के 8-10 ट्रस्टीज बने उसमें हाजी साहब, जानी भाई, इकबाल भाई और रऊफ भाई, ये पहले चार ट्रस्टीज हमारे थे जिन्होंने लाख लाख डॉलर देकर एक सीड मनी दी
और आज उससे फिर वो सारा सिलसिला सर आपने कहा अभी ये अरसलान भी जरा बताइएगा कि 1% भी शायद मेमन कम्युनिटी के लोग मुस्तफीद नहीं हो रहे अगर हम मिट्टी की बात करें और बाकी जो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो डोनर्स की रेशियो है वो क्या है वो मुकम्मल तौर पर देखें मेजॉरिटी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं बट बहुत सारे हमारे नॉन मेमन हजरात दोस्त हैं जो हमें सपोर्ट कर रहते हैं थ्रू आउट नॉट जस्ट मिट्टी बट हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट जिसका मेजर फोकस ऑब्वियसली 90% इज द मेमन कम्युनिटी 10% इज नॉन मेमन कम्युनिटी जो हम जैसे शोएब भाई ने बताया जिन बच्चों की एजुकेशन हम स्पॉन्सर कर रहे हैं बट उसमें भी ऐसे बहुत सारे नॉन मेमन हजरात दोस्त हैं हमारे जो इस काविश में साथ ज्वाइन हो गए एंड उसको लेके चले थ्रू आउट और ये शोएब भाई जरा बताइए कि जी क्या क्या शोबे हैं जिनमें काम किया जा रहा है वी नो कि एजुकेशन तो प्रायोरिटी है तरजीह है जी इसके अलावा किन शोबों में हेल्थ देखिए किस तरह हेल्थ में कॉर्निया ग्राफ्टिंग से लेकर और दूसरे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे इंडिया में एक पालघर हॉस्पिटल बना तो वो WMO ने उसको एज ए लेगेसी प्रोजेक्ट अडॉप्ट किया और आई बिलीव ओवर $1.5 million की रेंज में हमने वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया MMI जिसका आपने भी जिक्र किया जब पाकिस्तान में 2003 में हमारी पहली AGM हुई तो उस वक्त भी WMO ने बढ़ के सपोर्ट किया और वहाँ पे थोड़ा सा उनको सपोर्ट करके अपनी सीड मनी दी और अगेन फिर वो पूरा तसलसल चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइप के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो WMO टेक केयर करता है न सिर्फ ये बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट में यानी जब रोहिंग्या का इशू हुआ तो WMO की टीम पहुंची जब सीरियन क्राइसिस हुआ तो यूरोप चैप्टर एक्टिव होता है और वहां पहुंचता है जब सुनामी आता है तो हमारा फार ईस्टर चैप्टर एक्टिव हुआ और सुनामी जब श्रीलंका के बॉर्डर पे और जो आया इवन जब पाकिस्तान में 2005 का जलजला मुझे अच्छी तरह याद है हाजी साहब का ही रात को उसी दिन फोन आया हमें कि आप प्लीज एक्टिवेट करो हम सेकेंड डे पूरी टीम वहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में मौजूद थी और आपके साथ मिलके कोविड में हमने टेलीट्रॉन किया एक बहुत बड़ी अमाउंट हमने यहाँ पर जमा की और सलमान भाई ने उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है टेस्टिंग किट्स नहीं मिलती थी उन्होंने जर्मनी से टेस्टिंग किट्स अरेंज कराकर हमारे थ्रू लगाई लास्ट हमने आपके साथ जो टेलीट्रॉन किया 2020-21 का सैलाब में आपको सुन के खुशी होगी कि उसकी बरकत से तकरीबन 700 फैमिलीज बलोचिस्तान और सिंध में हमने बाकायदा घर बना के दिए हैं उसके अंदर भी हमारा पाकिस्तान चैप्टर और अफ्रीका चैप्टर इन्वॉल्व होता है और आई थिंक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम हमने सिर्फ और सिर्फ सैलाब के हवाले से सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द दिस ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत अच्छी बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लबैक कहती है WMO जहां जिस चैप्टर की भी जरूरत पड़ती है हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया जा रहा है लेकिन जो सबसे शानदार बात है चाहे वो मिट्टी की बात करें उसके अलावा जो एजुकेशन में कि मछली पकड़ना सिखाया जा रहा है लोगों को स्किलफुल एजुकेशन दी जा रही है उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि कम से कम आइंदा उनको डोनेशंस की या उसकी जरूरत ना महसूस ये इसी वजह से प्रायोरिटी है। अगर आपको पता हो तो जब हारी साहब का ये बेसिकली हारी साहब का एक ख्वाब था कि हमें एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी और मतलब शहर के लोग बेसिकली जितना फायदा उठा सके वो उठाएं और उनको मछली पकड़ना सिखा दो ताकि वो अपनी जिंदगी में पूरा थ्रू आउट पार हो जाए मतलब एक जो लोग आज रिसीविंग एंड पे वो सारे डोनर एंड्स पे आ जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी सिस्टम था जो हाजी साहब की एक सोच थी कि हमें ये काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे सीनियर्स मैं तो बहुत जूनियर हूँ मतलब शहजाद भाई हो गए शोएब भाई हो गए ये वो लोग हैं जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन इदारे को बनाने में लेकिन ये मैं असलाम में क्योंकि हमें तो ज़ाहिर चूंकि एक्सपीरियंस है ना टेलीथॉन्स हमने बहुत सारा काम साथ किया है कि जो यंग ब्लड है ना इस वक्त WMO में वो बहुत शानदार है वो इतना एनर्जेटिक है ऐसे नए आइडियाज़ और वो इतना पे मैं आपको भी देख रहा था लास्ट टाइम जब हमने टेलीफोन थॉन की पसीने में शराबूर और मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कौन मेहमान होगा एंड ऑल दैट तो ये आप यंग जो लोग हैं उनको भी बहुत क्रेडिट जाते हैं आपके माजरत के साथ हमने आपके यहाँ से भी दो लोग को ले लिया है उजी भी हमारे साथ है और अब्दुल्ला सेजा भी को भी हमने हमारे टीम में इन्वॉल्व कर लिया है नहीं हम भी आपकी टीम का हिस्सा हैं जी ऐड करना चाहूंगा मैं जरूर जो हेल्थ पे हम बात कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक और सेगमेंट पे काम शुरू किया दैट इज द हेल्थ सेहत कार्ड जिसको हम कहेंगे जो ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट इन टाइम हमने कम्युनिटी लेवल पे लॉन्च किया है कि
4,000 रुपीस एवरेज कॉस्ट है हमारी और कवरेज अप टू 500,000 पर एनम, मतलब साल में कोई भी आपकी खुदा ना खास्ता ये नवंबर में होती है, नवंबर में हमने लॉन्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड अब तक हम कोई 3,000 फैमिलीज को ये कार्ड गिफ्ट कर चुके हैं, प्लस कोई 2,500-3,000 फैमिलीज ये कार्ड बाय आउट कर चुकी है, क्योंकि ये कार्ड इज फॉर द कम्युनिटी फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ये कार्ड वो नहीं है कि हम ज़कात के पैसों से कोई काम कर रहे हैं, इस टाइप की चीज़ है, इसके पीछे एक तकाफुल फ्रंट क्रिएट किया गया है। ये हुकूमतें तो कोशिश कर रही हैं और कर रही हैं, मगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, किसी भी कम्युनिटी के उसकी तरफ से ये पहली बार हो रहा है कि हेल्थ कार्ड बाकायदा नवंबर से ऑनवर्ड्स इशू किए जा रहे हैं। बड़ी शानदार शुभाई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसलिए नहीं कि ज़ाहिर सलमान भाई हमारे बड़े भाई हैं और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लेकिन WMO में जो नई रूह आई वो सलमान भाई की ने जब से इसकी लीडरशिप संभाली, और एक खास तौर पर जो फैमिली अपलिफ्ट का उनका एक विजन है, उस पर भी जरा हमें रोशनी डालिएगा। एक्चुअली इकरार भाई, हुआ इस तरह कि हम मुसलसल एजुकेशन में लोगों को सपोर्ट करते आ रहे थे, ट्रैक करते आ रहे थे, उनका पूरा डाटा बैंक है, तो बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट्स हो रहे थे। जब एनालाइज किया कि भाई आखिर ये बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में आके वो स्क्रीन आउट हो जाता है, तो क्या वजह है, उनकी घर की परेशानी, उन माँ बाप का एक ही बेटा, तो वो बच्चा उठा के उन्होंने नौकरी पे लगा दी। इस कॉन्सेप्ट को जब सलमान ने स्टडी किया, और आई बिलीव जब ये इंडिया में थे वहाँ पर उन्होंने फैमिली अपलिफ्ट प्रोग्राम के साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इस पर एक बहुत बड़े पैमाने पर थ्रू आउट द वर्ल्ड ये काम होगा, हमारे हर चैप्टर्स में इसको हम इंशाल्लाह ताला अडॉप्ट करेंगे, और प्लान ये है कि $200 पर फैमिली पर मंथ के हिसाब से हम सपोर्ट करें। जिंदाबाद। जब हम सपोर्ट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप उस फैमिली को हम पूरा अपने पास अडॉप्ट कर लेंगे, या उस बच्चे को हम, जैसे आप कहें, हम गोद ले लेंगे। ठीक है। अब उसका एजुकेशन, उस फैमिली का राशन का खर्चा, जिंदाबाद, उस फैमिली का रेंटल का खर्चा, जो $200 पर मंथ की हम जब सपोर्ट कर रहे होंगे, हम, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यह है कि वो फैमिली कहीं पे इधर उधर ना जाए, और प्योरली जब तक वो बच्चा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाता, जब तक वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जाता तब तक। और अब एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं इकरार भाई, हम WMO पाकिस्तान चैप्टर में फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एजुकेशन को एड्रेस करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है लोअर एजुकेशन का, एक हायर एजुकेशन विच इज इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन डॉक्टरेट तक का प्रोग्राम है। एक हमारा एक तीसरा सेगमेंट है, वो स्पेशल बच्चों का है। अगर कहीं किसी फैमिली में स्पेशल बच्चा है तो हम उनको लेकर उनको जो स्पेशल स्कूल्स हैं उनका रेंटल है, और फिर अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अच्छा, अगर कुछ भी नहीं कर सकता तो मीटिंग मौजूद है, आप आओ। 63 ट्रेड्स इकरार भाई, 63 ट्रेड्स हैं जो मीटी में एड्रेस की हैं, आप सिलाई कढ़ाई से लेकर, एजुकेशन से लेकर, लेडीज की मेहंदी से लेकर, कॉस्मेटिक, आप क्या करना चाहते हैं, हर चीज, 63 शोभाजात में हम उनको सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं। सो ये WMO का मिशन है कि कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, जिस तरह हमारे लोगों में लिखा है, यूनाइट, अपहोल्ड और अपलिफ्ट, तो ये जो तीन बात हमने लिखी है अपने लोगों के अंदर, वी मीन इट एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर भी कर रहे हैं। और ऑफकोर्स सलमान भाई के आने से एक नई एनर्जी आया है, यंग है, डायनामिक है, ना खुद चैन से बैठते हैं ना हमें बैठने देते हैं, आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो वी आर ऑलवेज ऑन टोज ना। जिंदाबाद। दादा है माशाल्लाह कि वो उनको हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने का जो है ना, वो एक, और अल्लाह ये तवानाई उनकी बरकरार रखे। अरसलान भाई, अब आगे क्या, खैर ये दो चीज़ें हैं जो अब तक करते आ रहे हैं, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे ज़ाहिर वक्त आगे बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स और मसाइल में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए, चूँकि WMO माशाल्लाह इतना बड़ा इदारा है कि बहुत सारी तवक्कुआत अब लोगों की वाबस्ता हो गई इससे, तो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए क्या मनसूबाबंदी है आने वाले सालों में? सिचुएशन ये है कि जब सलमान भाई ने सेकेंड टेन्योर में अपने जब स्टार्ट किया ना, उन्होंने वो एक छड़ी चलाई, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि भाई ये नेक्स्ट 3 इयर्स हमारा फोकस सिर्फ एजुकेशन होगा, और उस लेवल पे होगा
कि मतलब हमें अगर स्कूल्स बिल्डअप करना है हम उसमें जाएंगे, हमें किसी स्कूल को अपग्रेड करना है हम उसमें जाएंगे, और हमें जिन बच्चों को स्पॉन्सर करना है हम उस पर जाएंगे। खुद कराची में जब मौजूद थे उन्होंने एक जगह आइडेंटिफाई की, हमारी कम्युनिटी का एक इदारा है MEB के नाम से, उस जगह को आइडेंटिफाई किया। उस जगह पे इस वक्त करंटली कोई 1100-1200 बच्चे 1400 बच्चे पढ़ रहे थे कम्युनिटी के। उन्होंने कहा कि बट वो जो जगह थी वो 10 एकड़ की जगह थी। सलमान भाई ने उसी वक्त इनिशिएटिव लिया, उनके साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने कहा कि WMO आपके साथ कोलैबोरेट करेगी, इस स्कूल को हम एक्सटेंड करेंगे, इस स्कूल को उस लेवल पे लेके जाना है कि आज जो ये आप 1400 बच्चे पढ़ा रहे हैं हम 4500 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ाएंगे, उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड्स बिल्डअप करेंगे, जिसको ऑब्वियसली थ्रू नेटवर्क एंड ऑल जैसे कराची किंग्स एंड ऑल वो सपोर्ट करेगी उस ग्राउंड को। फिर इसके बाद ऑडिटोरियम्स जहाँ पे हम इवेंट्स एंड चीजें प्रमोट करेंगे फॉर द कम्युनिटी, नॉट ऑन कमर्शियल एस्पेक्ट, फॉर द कम्युनिटी इवेंट्स जितने भी होंगे वो हम आप प्रमोट करेंगे। तो ए ओवरऑल पूरा एक डाइवर्सिफाइड बिल्कुल जो है ना, यस, तो ये एक फोकस के साथ उन्होंने ये जगह को आइडेंटिफाई किया जिसपे कुछ नहीं तो कोई 50 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो उन्होंने उसी वक्त खुद बोला कि 10 करोड़ रुपए तो सीट लीडिंग मैं दे रहा हूं, ये तो हमेशा मतलब ये उनकी क्वालिटी है कि और पहले मैं करके दिखाऊंगा करूंगा और उसके बाद बाकी आप कैरी फॉरवर्ड करें। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जितने लोग वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने आपके चैप्टर्स हैं, वी नो कि किस तरह से जब भी कोई हम बात करते हैं किसी टेलीथॉन में किसी कॉज के लिए, हर शख्स बढ़ चढ़कर कोशिश करता है कि वो उस कॉज में अपना रोल प्ले करे। तो जितने भी लोग हैं, जितनी भी आपकी टीम है, आप तमाम अहबाब जितनी मेहनत से, जितनी जाफिशानी से, जितनी दयानतदारी से माशाल्लाह इस काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो सबसे बुनियादी मसला है ताकि तालीम कि आइंदा नस्ल डिपेंडेंट ना हो, इंशाल्लाह परवरदिगार इसमें आपको कामयाब करे, हम सब की दुआएं भी और सपोर्ट भी इंशाल्लाह। जबरदस्त माशाल्लाह, वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा की तरह पैशनेट है और सलमान साहब की उसने एक नई ग्रुप खूब दी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट और हम हाजिर हैं जब भी जिस तरीके से इंशाल्लाह। आप लोग का सपोर्ट का पहले तो बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज। सलमान भाई तो खैर हमेशा साथ होते हैं, बट जो ARY फैमिली है वो भी कभी भी मतलब वो कहते हैं ना पीछे नहीं हटती, आप इकरार भाई द होल टीम मतलब जे भाई मतलब ये सब हमेशा आप लोगों ने कभी भी वर्ल्ड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कभी जो है वो मखसूस नहीं किया सर्विस का दायरा अपनी कम्युनिटी तक, उसको बाला तर रखा है। तो ऑफ कोर्स फिर बाकी सबको भी चाहिए कि इस सबसे ऊपर होके सोचें और सपोर्ट करें। एग्जैक्टली, सब आगे आए, सब कंट्रीब्यूट करें, सब मिलके ये काम अंजाम। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया और बहुत सारी तालियों और उसल करेंगे मेहमानों का, बहुत नवाजिश। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह।